हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ उसमें आपका रिएक्टेंट फिक्स होगा, राइट, रिएजेंट फिक्स होगा और प्रोडक्ट भी फिक्स होगा। डैट मीन्स सब चीज़ें फिक्स होंगी, इसलिए इस कंसेप्ट को, इस ट्रिक को अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे बेस्ड नीट या जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप ईजिली कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपका रिएक्टेंट अगर कहीं पर भी एल्कीन दिख गया आपको एज ए रिएक्टेंट, ध्यान दें एल्कीन डबल बॉन्ड वाले दिख गए, और B2H6 या फिर BH3 दे सकता है। यू नो कि BH3 डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम अगर आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है। ध्यान दें क्या करना है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ध्यान दें सिग्मा को नहीं, पाई को ब्रेक करके B2H6 से H ऐड कर देना है एक जगह पे, और एक जगह पे H2O2 या OH माइनस वाला OH ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, तो इट इज ए सीन एडिशन, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर रखा हूँ मैं एडिशन ऑन एल्कीन वाले वीडियो लेक्चर में, और ये एक एंटी मार्कोनिकव एडिशन है। कहने का क्या मतलब है कि अब H और OH हम कहाँ ऐड करेंगे, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसको क्या देना है OH, और जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन होगा उसको क्या देना है H। डैट मीन्स चूंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन था, अगर ऐसे समझना है तो इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन को वहाँ पे देगा जहाँ पे कमी होगा, जस्ट समझने के लिए। तो यहाँ पे यू नो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कम है इसलिए यहाँ पे H और यहाँ पे OH, और दोनों सेम साइड से ऐड होंगे। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HBO भी लिख सकता है। तो बेसिक फंडा क्लियर हो गया कि कहीं पे भी एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ B2H6 BH3 आपको मिले एंड H2O2H-, तो जो दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ उसको ब्रेक करके एक कार्बन पे H एक कार्बन पे OH, उस कार्बन पे H लेके आना जिस कार्बन पे H कम है, वेरी सिंपल, इसलिए ये एंटी मार्कोनिकव है। सेम अगर आपका रिएक्टेंट सेम है, सिर्फ रिएजेंट चेंज कर दिया, मरकरी HgOH2 इन एक्वस सॉल्यूशन, डेट इज वाटर होना चाहिए, और NaBH4, तो अगेन वही करना है, इन दो कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने हुए हैं उसको ब्रेक कर देना है, अगेन एक कार्बन को H देना है एक कार्बन को OH। कैसे देना, तो वेरी सिंपल, HgOH2 जो एक्वस मीडियम है उससे आपको OH मिलने वाला है, और NaBH4 से आपको H मिलने वाला है। यहाँ तक रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहलाता है, इसके बाद डीमर्क्यूरेशन, क्योंकि मर्करी को फिर रिमूव करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर HOH कैसे ऐड करेंगे, तो आप इसको अगर याद रख लिए तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, राइट, तो वैसे भी याद रख सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको OH वहाँ पे ऐड करना है जिस कारण पर हाइड्रोजन कम है। डैट मीन्स यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो ध्यान से देखो, OH को हमने कहाँ ऐड किया, उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करना है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। डैट मीन्स पहले वाली रिएक्शन का जस्ट उल्टा हो गया, चूंकि ये अकॉर्डिंग टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे मार्कोनिकव, इसलिए इसका नाम है एंटी मार्कोनिकव। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एंटी एडिशन है, राइट, अपोजिट साइड से ऐड होंगे, और इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे OMDM। तो तीसरी रिएक्शन जो है वो एसाइल क्लोराइड कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, एसाइल, जब भी इस टाइप का है तो एसाइल, एराइल से एसाइल क्लोराइड है। तो जब एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट कराओगे, यहाँ पे देखो सिर्फ अगर H2PD लिया होता हमने तो फिर ये बेंजल डिहाइड पर रिएक्शन नहीं रुकती, फिर ये अल्कोहल पर रुकती, लेकिन बैरियम सल्फेट ऐड करने से पाउडर फॉर्म में क्या हो गया कि जो प्लेटिनम की सरफेस थी उस पर बहुत सारे बैरियम सल्फेट जो पाउडर फॉर्म में लियो वो कवर कर लेंगे उसके सरफेस को, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन की काइनेटिक्स कम हो जाती है, इसलिए रिएक्शन आपका यहीं पर रुक जाएंगी। तो अगर फिक्स है, रिएक्टेंट फिक्स है, रिएजेंट फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, अगर एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ H2PD बैरियम सल्फेट मिल जाए तो इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन, और प्रोडक्ट क्या है, बेंजल डिहाइड। ओके, तो चूंकि ये पार्शियल रिडक्शन हुआ, ये एक पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, और बैरियम सल्फेट पाउडर का क्या काम है, यही वो है जो पैलेडियम सरफेस की रिएक्टिविटी को कम कर रहा है।
अगर ये नहीं लेते तो क्या हो जाता, अगर सिर्फ H2PD लेते तो रिएक्शन अल्कोहल पे जाकर के रुकती, 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिलता। नाउ नेक्स्ट, अगर साइनाइड का अगर पार्शियल रिडक्शन करेंगे, अगेन ये भी जो है वो आपका पार्शियल रिडक्शन है, अगर साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो अगेन आपको अल्डिहाइड मिलेगा, कैसे, तो SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे ध्यान से देखो, 3+2 में है और ये कहाँ जा सकता है, +4 में, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2H+ से आपको 2 nascent हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज, तो H+H में चला जाएगा, 2 nascent हाइड्रोजन मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको भी H देना और इसको भी H देना, तो ध्यान से देखो मैंने वही दिखाया, पहले केस में आपका आईमीन बन जाएगा, ओके, दोनों कार्बन और नाइट्रोजन को एक एक H मिल जाएंगे। नाउ उसके बाद क्या किया गया, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस को कैसे दिखा सकता है, H3O+ दे दिया तो, H+ सिर्फ लिख दिया तो, वाटर लिख दिया तो, या सिर्फ हाइड्रोलिसिस वर्ड लिख दिया तो, इन सब का एक ही मतलब है। तो हाइड्रोलिसिस का भी ट्रिक आपको दे रखा हूँ, आपको 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H देना है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH देना है, और ये हमने ब्रेक कर दिया, यू नो एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर को बाहर कर दो, यू विल गेट अल्डिहाइड, बाय प्रोडक्ट में आपका अमोनिया आ जाएगा। तो ये नेम रिएक्शन आपको एज इट इज ध्यान में रखना है कि रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, और उसमें सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एज इट इज ये पूछे जाएंगे आपको। नाउ नेक्स्ट 5 कि अगर फिनॉल अगर आपको कहीं पे दिख जाए, ध्यान दें बेंजीन पे अगर डायरेक्ट OH लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल कहीं पे दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NOH, तो पहले क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये आपका एसिड हो गया राइट, और ये आपका बेस हो गया, एसिड बेस रिएक्शन से ये H+ हट जाएगा O-, तो इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, इंपॉर्टेंट है ये फिनॉक्साइड आयन, जो रेजोनेंस की वजह से कहाँ कहाँ पे निगेटिव चार्ज लेके आएंगे, ऑर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो यू नो C(OO), एक तरह से ये कार्बोनिल कार्बन हो गया राइट, C(O), तो जो इसका ऑर्थो वाला निगेटिव चार्ज है वो इस पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और ऑर्थो पोजिशन पे आपका क्या बन जाएगा, C(O), और फिर चूंकि आपने H+ लिया है तो जो बेसिक मीडियम की वजह से O पे माइनस था वो अब एसिडिफाइड होकर के H आ जाएगा, तो डैट मीन्स आपको ऑर्थो पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, चूंकि ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है तो 1,2,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड राइट, इसका कॉमन नेम घर का नाम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, क्या बोलेंगे, सैलिसाइलिक एसिड, और इस रिएक्शन को, ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोलवेज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलवेज रिएक्शन, तो जब भी आपको फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो आपको फिनॉल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे ये जो C(O)बॉन्ड O है राइट, डेट मीन्स CO2, तो ये सबको एज इट इज पूरा रख देना है, डेट मीन्स C(O)बॉन्ड O देखो पूरा आ गया है CO2 वाला पार्ट, और H लगा देना, डेट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा कोलवेज रिएक्शन। इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ध्यान देना है कि ऑर्थो वाला ही मेजर प्रोडक्ट क्यों हो गया, जनरली पैरा मेजर होता है, ऑर्थो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ऑर्थो विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ऑर्थो मेजर होंगे और पैरा माइनर होंगे। सिमिलरली अगेन फिनॉल की रिएक्शन अगर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम, अगेन जरूरी नहीं कहने हो बेसिक मीडियम क्रिएट करना है, तो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम होगा तो आपको पहले ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा, ये एक इंटरमीडिएट मिलेंगे, डैट मीन्स कि अगेन वही पॉइंट है NOH, इससे ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये ले लेगा, तो आपका क्या बनेगा, फर्स्ट केस में CCl3-, कार्बन पे नेगेटिव है तो एक क्लोरीन का लॉस हो जाएगा और ये बन जाएगा CCl2, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट भी पूछा जा सकता है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, तो डाइक्लोरोकार्बीन, प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट क्या है, तो ये इस टाइप का इंटरमीडिएट बनता है राइट। अब ध्यान से देखो, तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये दोनों Cl निकल करके 2 OH आएगा, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, वाटर बाहर चला जाएगा, तो आपका
जो आएगा ऑर्थो पोजिशन पे अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एसिड आया था, यहाँ पे अल्डिहाइड हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, चूंकि अगेन डॉन फंक्शनल ग्रुप है, 1-2, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका घर का नाम सैलिसाइनल्डिहाइड, राइट। तो ये जो रिएक्शन है फिनॉल की इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसिडिफाइड मीडियम, तो जो आपको प्रोडक्ट मिला 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, तो इस रिएक्शन का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टाइमन रिएक्शन, तो इसको ध्यान से रखना है, आरटी रिएक्शन है ये, आरटी रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन। तो ये फिक्स है, जो ये रिएक्टेंट होंगे, ये रिएजेंट होंगे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ फिक्स। अगर सपोज करो किसी ने गलती से CaCl3 की जगह CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया होता, बाकी सब कुछ सेम, तो यहाँ पे फिर आपका क्या मिल जाता एज ए मैन प्रोडक्ट, ये ऊपर वाला आपको मिल जाता सैलिसाइलिक एसिड, तो आपको क्या मिल जाता सैलिसाइलिक एसिड। तो बस ध्यान रखना है फिनॉल की दो रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम CO2 यू विल गेट सैलिसाइलिक एसिड और कोलबेज रिएक्शन इसका नाम होगा, और अगर फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम तो यू विल गेट सैलिसाइलल्डिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम होगा रीमर टीमन रिएक्शन, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया तो फिर से आपको सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। नाउ बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का मतलब है कि बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, आइदर बेंजीन हो, ज़्यादातर यही रहते हैं, या फिर बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl करा रहो, एज ए कैटलिस्ट यू कैन यूज एन हाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो क्या करेगा ये सब Cl को लेकर के बाहर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा H+ क्रिएट हो जाएगा, जो CO से एक्चुअल में ये बना लेंगे आपका, डैट मीन्स आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अगर बेंजीन सिर्फ है तो फिर आपको कहीं पे भी अल्डिहाइड ग्रुप लगा देना, और अगर बेंजीन के डेरिवेटिव है डैट मीन्स इस पर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम है या माइनस एम, प्लस एम होगा तो ऑर्थो पे लगाना है, पैरा पे लगाना है, और अगर माइनस एम होगा तो मेटा पे लगाना है, तो डैट मीन्स आपको बेंजीन पे क्या ले आना है, ये ध्यान से देखो ये COH ये पूरा है, तो अल्डिहाइड ग्रुप ले आना है। इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। ध्यान दे जब डाइजोनियम में कॉपर जीरो वाला था तो उसका नाम था सिर्फ गैटरमैन, राइट, बट यहाँ पे अगर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 तो फिर इसका नाम गैटरमैन कोच रिएक्शन है। तो ये सब नेम रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ कि चेंजेज कहाँ पे हो रहे हैं उसको ध्यान से रखना है। नाउ नेक्स्ट, अगर कहीं पे भी आपको टॉलुइन दिख गया, क्या बेंजीन पे कोई मिथाइल ग्रुप, राइट, बेंजीन पे अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं टॉलुइन, टॉलुइन दिख गया इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके, और उसके बाद फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको पहले एक ये इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, डैट मीन्स ये कार्बन के जो दो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे क्रोमियम के कंपाउंड से, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे वो दो हाइड्रोजन हट कर करके, और एक हाइड्रोजन आपका रह ही जाएगा, राइट, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। उसके बाद फिर आप जब हाइड्रोलिसिस किए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको इस कारण पे दो OH आ जाएंगे, एक कारण पे दो OH अनस्टेबल होते हैं तो वाटर बाहर चला जाएगा तो आपको अल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, इटार्ड रिएक्शन। तो फिक्स है मिथाइल ग्रुप लगाना चाहिए बेंजीन पे, डेट मीन्स टॉलुइन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड और हाइड्रोलिसिस यू विल गेट बेंजल्डिहाइड एज द मेन प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। वैसे ही इसके बारे में पूरा मैं आपको बता रखा हूँ रिडक्शन वाले में कि अल्डिहाइड या कीटोन होगा, राइट, जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। आपको क्या करना है, ये सी डबल बॉन्ड वाला दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देना है, इसको दो हाइड्रोजन दे देना है और इसको भी दो हाइड्रोजन दे देना है, तो राइट, तो क्या बन गया एक तरह से यहाँ पे एल्केन आपका बन जाएगा अगर सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन,
और इसका मैंने ट्रिक दे रखा है, जहां होगी कल्लो अल्डिहाइड कीटोन को करेगी हेलो, तो वो वहां पे पूरा मैं आपको बता रखा हूँ। वैसे ही अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं पे दिख जाए NH2 डेट इज हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एज ए सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा हीट करोगे तो पहले केस में तो आपको ये आयमीन वाला बन जाएगा। अगेन ये वन ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन है, और फिर जब बेसिक मीडियम में इसको आप ये करोगे तो आपका ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, अगेन इसको हेच, इसको हेच और इसको हेच और इसको हेच, तो आपको अगेन एल्केन मिल जाएगा अगर ओनली अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो, और N2 गैस यहाँ पे बाहर चली जाएगी। इस रिएक्शन का नाम है वुल्फ किशनर रिडक्शन, इसका भी मैंने ट्रिक दिया था। नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला, तो आप रिडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में जा करके देख सकते हो वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थैलीमाइड हम कैसे बनाएंगे। रिएक्शन का नाम रहेगा गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अमाइन अगर बनाना हो, ध्यान दे इससे सिर्फ और सिर्फ हम 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, डैट मीन्स यू कैन नॉट प्रिपेयर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन फ्रॉम दिस रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड। तो देखो इसमें करना है कि आपको थैलिक एसिड लेना है। थैलिक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन के 2 एडजेसेंट पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन जब आप अमोनिया से करा देंगे तो अमोनिया का 2 हाइड्रोजन और ये एसिड ग्रुप का OH, ये वाटर के फॉर्म में बाहर चला जाएगा तो आपको मिलेगा थैलीमाइड। ये एक्चुअली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है रिएक्शन को, या यहाँ से भी थैलीमाइड होना चाहिए। थैलीमाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम कराते हैं, अनली थिंग इज कि बेसिक मीडियम होना चाहिए, तो बेसिक मीडियम होगा तो OH माइनस आपका इसका जो ये H है इसको ले लेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एक तरह से नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा। डैट मीन्स ये एक न्यूक्लियोफाइल का आप काम करेगा, इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन अब हमने एल्काइल हैलाइड पे कराया है, तो यू नो इस पे पार्शियल डेल प्लस, इस पे पार्शियल डेल माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, राइट। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की वजह से ये आपका बन जाएगा, आप ध्यान से देखो N माइनस जब इस पे क्या तो X बाहर चला जाएगा आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या कर देना है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्यों, क्योंकि हमने बेसिक मीडियम ले रखा है तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट बस बता रखा हूँ, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हेच, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को हेच, तो ये हमने दिया तो इसलिए इस कार्बन पे आपका OH आ जाएगा, चूंकि बेसिक मीडियम क्रिएट कर रखा है तो इसलिए H प्लस इसके पास नहीं रहेगा, तो ये O माइनस के फॉर्म में रहेंगे और इस नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया। यहीं से हमें 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहाँ से 2 पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि आप जो RX लेंगे वो क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन नहीं हो सकता, एराइल वाला ग्रुप नहीं हो सकता, एराइल से आप नहीं बना सकते, डैट मीन्स वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन, आप कभी भी इस मेथड से एनिलीन नहीं बना सकते। रीजन, क्योंकि यू नो इसके पास लोन पेयर होता है तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, तो वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन बाय गैब्रियल थैलीमाइड, एंड ऑल्सो वी कैन नॉट प्रिपेयर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ओनली 1 डिग्री। दूसरा एक और पॉइंट जो आप ध्यान से देखेंगे कि क्यों मैं 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बचना जरूरी है, जब ये हाइड्रोजन बचेगा बेस से रिएक्ट करेगा तभी एन पे माइनस आएगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर मैं हेच की जगह आर ले लिया होता तो प्रॉब्लम क्या होती, यहाँ पे हेच की जगह क्या होता आपका आर होता, राइट। अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बचा नहीं, बेस से रिएक्शन होगी नहीं, नाइट्रोजन पे माइनस आएगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर तो कहाँ जा चुका है, रेजोनेंस में, इसलिए ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता, इसलिए हम 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना पाते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, और उस रिएक्शन का आज हम बनाएंगे बर्थडे, क्योंकि उस रिएक्शन का नाम हमने प्यार से रखा है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन का मतलब क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ओके सबका मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो करना क्या, इसमें आपको एमाइड ग्रुप कहीं पे भी दिख जाए, क्या एमाइड ग्रुप RC डबल बॉन्ड हो NH2, एमाइड ग्रुप दिख जाए तो इसको बीच से निकाल देना है, ख़त्म कर देना है, ये जैसे हट गया तो बचा क्या RNH2, प्रोडक्ट बना देना आपको RNH2। तो ध्यान दें यहाँ से भी आपको
कौन सा अमाइन मिल रहा है, वन डिग्री अमाइन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वन डिग्री। बट पॉइंट सब क्या क्या है कि जब भी अमाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड बेसिक मीडियम आपको दिख जाए तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन आपका क्या हो जाएगा इसमें लेस, एक कार्बन निकल जा रहा है सी डबल बॉन्ड के फॉर्म में, राइट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका माइग्रेशन होता है किस पे, नाइट्रोजन पे। तो ये पॉइंट भी ध्यान देना है, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। और ये डिग्रेडेशन क्यों है, क्योंकि कार्बन लेस हो गया है, राइट। इस रिएक्शन का बैलेंसिंग फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, वन मोल ऑफ अमाइड रहेंगे, वन मोल ऑफ Br2, फोर मोल जब आप बैलेंस करेंगे फोर मोल ऑफ NOH विल गिव यू वन मोल ऑफ RnH2 वन डिग्री अमाइन, वन मोल ऑफ Na2CO3, टू मोल्स ऑफ NaBr एंड टू मोल्स ऑफ H2 आपको मिलेंगे। तो इसका बैलेंस रिएक्शन भी याद रखना, कभी कभी इस पे बेस भी मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट डेट इज कार्बाइल एमीन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो ये अगेन ओनली वन डिग्री एमीन, ध्यान दें ओनली वन डिग्री, आइदर वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो चलेगा, ओनली प्राइमरी एमीन ये टेस्ट देता है। इसलिए वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एमीन को अगर आपको सेपरेट करना हो तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप वन डिग्री एमीन के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि टू डिग्री और थ्री डिग्री एमीन ये रिएक्शन नहीं देता है। वन डिग्री में एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो डेट मीन्स आर कैन बी बेंजीन और कैन बी नॉन बेंजोनाइड स्ट्रक्चर। तो उन दोनों केस में क्या करना है, क्लोरोफॉर्म लेना है अगेन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ध्यान दें क्लोरोफॉर्म एक बार और हमने यूज किया था, कौन सी रिएक्शन में, जब फिनॉल की रिएक्शन कराया था, सैलिसाइलल डिहाइड बनाया था, रीमर टेमन रिएक्शन, तो वहाँ पे और एक यहाँ पे यूज हो रहा है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और हीट लेंगे तो आपको NcIsocyanide मिलेगा, CnCyanide होता है, आइसोसाइनाइड मिलेगा जिसका फॉल स्मेल होता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन बोल सकते हैं, राइट। तो वन डिग्री एमीन की ये खास पहचान है कि वन डिग्री एमीन में अगर आपने क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम डाला तो फॉल स्मेल आने का मतलब आइसोसाइनाइड बन गया है। नाउ अगेन इसका भी बैलेंस रिएक्शन ध्यान रखना है, वन मोल ऑफ अमाइन एंड वन मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म थ्री मोल्स ऑफ KOH के साथ रिएक्ट करके आपको वन मोल आइसोसाइनाइड थ्री मोल्स KCl एंड थ्री मोल्स ऑफ वाटर देंगे। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन में ध्यान रखना है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप देख लें और समझ लें। ए वन इज गैब्रियल थैलीमाइड, सेकेंड इज हैप्पी बर्थडे रिएक्शन एंड थर्ड इज कार्बाइल एमीन टेस्ट।